हजारों भूखे पेटों को रोटी शासन ने नहीं, रीवा के समाज सेवियों ने पहुंचाई। जब भी संकट आया, वह आज भी कुछ यही कर रहे थे, लेकिन इसमें रुकावट लगाने का काम किया शासन के एक निर्णय ने। मंगलवार से भूखे पेटों को रोटी नहीं मिलेगी। देखिए शमीम सौदागर की यह रिपोर्ट में। रीवा में स्वयं सेवी संगठन एक होकर संकट के समय में उन लोगों तक खाना पहुंचा रहे थे जिन्हें दो वक्त की रोटी शासन प्रशासन मुहैया नहीं करा पा रहा था। कोरोना के चलते यह स्थिति निर्मित हुई थी, लेकिन जब रीवा में बाहर से दो लोगों को लाकर रखा गया है, जबकि इंदौर में जहां से इनको लाया गया है तमाम सुविधाएं मौजूद थी, उसके बावजूद 700 किलोमीटर दूर से रीवा में रखना किसी के समझ में भी यह बात नहीं आ रही है। स्वयंसेवी संगठन स्वयं अपनी सुरक्षा करते हुए असहाय तक खाना पहुंचा रहे थे, लेकिन शासन प्रशासन ने कोरोना के पेशेंटों को शहर में पहुंचाकर उनके स्वास्थ्य का इंतजाम तो कर दिया, वहीं खाना पहुंचाने वालों को किसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराई। लोगों में इसी बात का गुस्सा है। समाज सेवी संगठन एक होकर एक स्वर में मंगलवार से खाने का काम बंद करने जा रहे हैं। ऐसे में शासन के सामने एक गंभीर चुनौती खड़ी हो जाएगी। उन लोगों तक खाना पहुंचाना जिन्हें अभी दो वक्त की रोटी समाज सेवी संगठन पहुंचा रहे थे। आइए आपको लेकर सीधे चलते हैं एक समाज सेवी संगठन के परिसर में, जहां पर लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। यहीं पर समाज सेवी संगठन एकत्र होकर अपनी सुरक्षा की चिंता में हैरान परेशान होकर आगामी रणनीति बना रहे हैं। हम आपको आज वह सब दिखाएंगे और बताएंगे यह स्थिति क्यों और कैसे निर्मित हो गई। वहाँ रखा जा सकता था, रीवा ग्रीन जोन था, सुरक्षित था, तो उसमें क्यों आप लोगों ने संक्रमण करने की शुरुआत किया? और हम लोग सब लोगों को यूनिटी रखने की इस समय बहुत जरूरत है। हमारे ऊपर भी आज सुबह बहुत प्रेशर आया है कि आप मीटिंग नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आई हूँ मीटिंग में। मेरे पास बहुत प्रेशर आया है इस बात का कि आप नहीं करेंगे मीटिंग में नहीं जाएंगे। तो अब हमको एकता बना के रखनी है। हमारे बिना प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है, ये बात पक्की बात है। हमें जो बात करनी है हम अपनी बात मनवाना जानते हैं और मनवाएंगे। सिस्टम से काम करें, बिना सिस्टम सब काम बेकार होता है। जितने भी संगठन बैठे हैं सब अपना एक लेटर पैड लेके आए और उसमें एक विरोध दर्ज करें। जो सिस्टम होता है यहाँ से वहां तक जाता है, भोपाल तक जाता है, सभी अपने संगठनों का लेटर लिख के उसमें विरोध दर्ज करें और वही प्रति जाके माननीय कलेक्टर को देना हो या कमिश्नर को देना हो, ये उनको देखिए। दूसरी बात, विरोध का तरीका इस तरह होगा। तीसरी बात, अपने 22 तारीख से हम लोग पूरे लड़के दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा। किसी ने 2 रुपए खर्च किया, किसी ने 10 लाख रुपए खर्च किया, पर खर्च किया। प्रशासन हम लोग घुमा रही है। आप जितना सख्ता बनेंगे सब प्रशासन उस तरह घुमाएगी। हम लोग को इसी शब्द में कहा था उल्लू, इस बात को कहा था उल्लू। तो इतना भी दीदार बन जाइए आप लोग कि जो चाहे वो पेड़ काट दिया जाए। आप इस बात का ध्यान रखिए, ये बार आपके ऊपर हुआ, ये परिवार अपना, रीवा शहर अपना है, ये प्रशासन नहीं, प्रशासन आएगा और इस बात को। हम लोगों को शासन ने किसी भी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था या किसी तरह का कोई और दूसरा सहयोग हमें नहीं मिला। सारे के सारे संगठन अपनी जान को हथेली पर रखकर घूम घूम कर दुखियों की, गरीबों की, भूखे लोगों की हम लोग सेवा कर रहे थे, लेकिन शासन ने जो ये कोरोना के मरीज लाकर के रीवा में डाल दिए हैं, हम सारे लोग, सारी स्वयंसेवक संगठन इसका घोर विरोध करते हैं और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इन मरीजों को तुरंत रीवा से बाहर भेजा जाए और उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर सेवा कार्य पुनः चालू करेंगे। कोरोना के मरीज को इंदौर से, तो इंदौर से रीवा लेके आया, मैं कहता हूँ इंदौर से भोपाल ला देते, जबलपुर ला देते, और रीवा क्यों लाया? ये किस षड्यंत्र की राजनीति कर रहे हैं हमको समझ नहीं पा रहा है। ये मानवता का क्यों इस तरह काम कर रहा है? ये राजनीति से क्या लाभ होगा किसी को, मुझे नहीं मालूम। या मैं अगर इस बार को होगा, मैं अभी पूरे संगठन के बारे में, लोग 15 से 20 संगठन यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगले हमारे भाटिया जी भी जो हमारे यहाँ पर मेन बैठे हुए हैं, हम लोगों ने निर्णय लिया गया है। मैं अभी पत्र हम लोग कलेक्टर महोदय को या कमिश्नर महोदय को एक ज्ञापन दूंगा और उसको अल्टीमेट दूंगा कि अगर आपने नहीं माना तो मैं खाना, चाय, पानी जो भी हम लोग बांटते थे वो हम बंद कर देंगे पूर्णतः। यह निर्णय अपने संगठन ने लिया।
कोरोना रीवा में शासन की लापरवाही कारण आया है। रीवा के लोग इतने अच्छे हैं और इतना बढ़िया, बिना शासन की अपील करे भी उसका लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन कर रहे थे, लेकिन शासन की लापरवाही के कारण, पहले बात तो जब इंदौर से सतना उन मरीजों को भेजा गया तो वहाँ पर जांच नहीं कराई गई, अगर वही जांच करा लेते तो वहीं पॉजिटिव वहीं रोक सकते थे। ये कहना है कि जब तक हमारे रीवा में ये कोरोना के पेशेंट जो भी आए हैं इनको जब तक बाहर नहीं किया गया और जहाँ से आए उनको वहीं वापस किया जाए, तब तक हम लोग की सेवाएँ बरकरार नहीं रहेंगी। हम लोग बंद नहीं कर रहे हैं, इस सेवाओं को रोका जा रहा है। अपना पैसा लगाकर हजारों पैकेट बंटवाने वाले शिव बारात के लोगों के बीच उनके भोजनशाला में हमारी टीम जा पहुंची, यह देखने कि वहां हजारों पैकेट बनते हैं, लेकिन हमने वहां पर क्या देखा आप भी देखिए और तय करिए शासन का एक निर्णय भूखे पेटों पर कैसे भारी पड़ेगा। मैं इस समय मौजूद हूं एक ऐसी जगह पर जहां पर इस समय कोरोना पीड़ित व्यक्तियों को दोनों समय का भोजन कराया जा रहा है। मैं आपको आज वह जगह दिखाऊंगा जहां पर लगभग 4 से 5 हजार लोगों के लिए रोज भोजन तैयार किया जा रहा था और उन तक पहुंचाया जा रहा था, लेकिन शासन के एक निर्णय ने यहां पर अफरा तफरी का माहौल बना दिया है। मैं आपको या फिलहाल उसके बारे में बाद में बताऊंगा, आज दिखाऊंगा यहां पर किस तरीके की तैयारी की जा रही थी। लगातार लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा था, उनके लिए व्यवस्था की जा रही थी। आज जब कोरोना का पेशेंट यहां पर आ गया तो क्या किस तरीके की दहशत है आपको लगता है, क्या क्या दिक्कत दिखती? कोरोना का पेशेंट आने से हमारे शहर में बिल्कुल लोगों में दहशत सी हो गई और लोग घर वाले भी कह रहे हैं कि घर से बाहर कच्चा ना निकलें जब तक कि वो पेशेंट है। हो सकता है कि वो पेशेंट या पेशेंट से अटैच कोई हॉस्पिटल से आता है और हमें नहीं पता रहता है। जैसा कि आपने सुना, घर वालों ने यहाँ पर साफ तौर से कह दिया है कि उनको घर से नहीं निकलने देना है, घर की महिलाएं पुरुषों को निकलने से रोक रही हैं यहाँ पर। फिर भी उसके बावजूद उनका कहना है कि आज हमने कोई भी सूचना नहीं दी थी खाना बनाने वालों को, तो आज हम उन तक खाना पहुंचाएंगे। निकट भविष्य में निश्चित रूप से यह सेवा बंद कर दी जाएगी। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, लोग एक डिस्टेंस बनाकर यहाँ पर खाना पहुँचा रहे हैं और लगातार यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं सब्जियाँ पड़ी हुई हैं, कच्चा चावल पड़ा हुआ है, इसको बनाकर यहाँ पर 3 से 4 हजार पैकेट बनाए जा रहे हैं। 3 से 4 हजार लोगों तक खाना पहुँचाने का इंतज़ाम किया जा रहा था, लेकिन शासन के एक निर्णय ने रीवा को रेड जोन में ला दिया। लोगों में दहशत है, कोरोना को लेकर यहाँ पर एक गंभीर दहशत है जिससे लगातार लोग दहशत में है, वो अपने घर से निकलने के लिए तैयार नहीं। इस साफ तौर से लोगों का कहना, शासन ने हमको किसी तरीके की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराई थी। यहाँ हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे किस तरीके से आप लोग अभी तक तैयारी कर रहे थे। रोज हम लोग 4 से 5 हजार पैकेट यहाँ बनाते हैं, पैक करके पूरे रीवा भेजते हैं। शासन का तो खैर कहीं का नाम ही नहीं, हम लोग का पर्सनल है, सब साथ के लोग हैं, मिलते हैं यहाँ बनाते हैं और साथ ही हमारे घर घर जाके पहुँचाते हैं। हमें शासन से एक रुपया नहीं लेना था, हम लोगों ने अपना पैसा लगाया, हमारे में समाज सेवा का जज्बा था, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने एक एक रुपये इकट्ठा करके लगातार लोगों के लिए खाना पहुँचाने का इंतज़ाम किया। कैसा लग रहा है अब आपको कि किस तरीके से अब आपकी समाज सेवा में रुकावट आने वाली? अब सबसे बड़ी चीज़ तो ये शासन की गलती है कि जो अपना रीवा शहर इन चीज़ों से सेफ था, तो शासन ने ये गलत डिसीजन लिया कि कोरोना पेशेंट को जो सेफ जगह है वहाँ पहुँचा दिया। इसके कारण जो भी मेडिकल स्टोर हैं वो भी बंद हैं और बहुत सी जो अभी तक हम लोग टेंशन फ्री होकर जीते थे, लेकिन जब से पेशेंट संजय गांधी में आ जाने के कारण एक दहशत का माहौल बन गया है, हम अभी तक टेंशन फ्री थे, अब हमें टेंशन में हैं। घर से निकलते और घर से पहुंचने के बाद भी हम टेंशन में, पता नहीं कौन व्यक्ति किस तरीके से मिल जाए। आज के पहले तक बिंद टोटल पूरी तरीके से कोरोना से सुरक्षित था, जहां पूरे विश्व में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ था, वहीं रीवा अभी पूरी तरीके से यहां पर किसी भी तरीके की दहशत नहीं थी। लोग लगातार शासन के नियमों का पालन कर रहे थे, लेकिन
आज जैसा कि आप देख रहे हैं, खाना बनाने वालों ने खाना बनाया, पैकेट बनाया, उसको पहुंचाने के लिए अब लगे हुए थे। सोचिए आप, शासन के इंतज़ाम के बगैर समाज सेवी संस्थाओं का ये वो खाना जो यहाँ पर से पैकेट से बन के जा रहा, ज़रूरतमंद तक नहीं पहुँचेगा तो क्या वो अपने घर में रहेगा? खाना नहीं मिलेगा, वो सड़क में आएगा, सड़क में आया तो स्थिति कौन संभालेगा? ये आज की तारीख का एक बड़ा सवाल है। हम न्यूज़ नेटवर्क टुडे के माध्यम से शासन से यह भी मांग करेंगे कि इस जो समस्या आई है इसका तत्काल व निजात दिलाए, इसका कोई ऐसा ठोस उपाय निकाले जिससे यह समस्या लगातार, यह जो सेवा थी वह लगातार चलती रहे। न्यूज़ नेटवर्क टुडे के लिए मैं जावेद अंसारी। कोरोना के चलते आप भी घर पे सुरक्षित रहिए, शासन के दिशा निर्देशों का पालन करिए। मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।